नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा सिविल लाइन थाने में संदेही महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा के सिविल लाइन थाने के अंदर चोरी की संदेही महिला की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। परिजनों ने महिला के मालिक पर कर्ट लगाकर मारने का आरोप लगाते हुए जमकर किया हंगामा। चोरी के आरोप में पुलिस सोमवार की रात महिला को लेकर आई थी थाने, जिसे महिला थाने में रखने के बजाय पुलिस ने रखा था सिविल लाइन थाने में। महिला की हत्या का राज सीसीटीवी फुटेज में कैद। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद कर रहे हैं पूछताछ। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूनरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। जी नमस्कार महिमा जी, राजीव तिवारी रीवा संभाग ब्यूरो से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, रीवा में सिविल लाइन थाना में एक महिला को चोरी के आरोप में रखा गया था, थाने के अंदर रखा गया था, जबकि नियम ये है कि महिला अपराधी को महिला थाने में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करते हुए महिला अपराधी को सिविल लाइन थाने में सामान्य थाने में रखा गया और रात में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मृत्यु हो चुकी है। मौके पर रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह पहुंच चुके हैं और सारी डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि ये वही थाना है, वही सिविल लाइन थाना है जहां पर पूर्व में भी कई बार वारदातें हो चुकी हैं। ये वही थाना है जहां पर एसआई ने टीआई को गोली मार दी थी और दोबारा फिर से चर्चा में वही थाना आया है। आए दिन ये थाना चर्चा में बना रहता है, आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता है। फिलहाल महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला को करंट लगाकर मार दिया गया है। सारी घटना का राज सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जो कि अभी सामने नहीं आया है, वीडियो फुटेज सामने नहीं आई है। पुलिस अपना कार्य कर रही है। सिविल लाइन थाने में काफ़ी मात्रा में भीड़ जमा हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ परिस्थितियाँ मौके पर काबू से बाहर होती जा रही हैं। रीवा जिला जो कि चिरहुलानाथ का पावन पवित्र धाम है, पावन पवित्र जिला है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे अपराध, ऐसे ऐसे संगठित अपराध घटित हो रहे हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यह पावन धरा किस तरह से मैली हो रही है और किस तरह लोग इस पावन धरा को कुचल रहे हैं, मैला कर रहे हैं। और ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये तो सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की गलती साफ नज़र आ रही है। जिस महिला आरोपी को महिला थाने में रखना चाहिए, उसे सिविल लाइन थाने में आखिर क्यों रखा गया और किसके कहने पर रखा गया। रीवा संभाग ब्यूरो, राजीव तिवारी, नमस्कार। जी सर, मेरे सर गए थे वहाँ का, रामपुर का गए थे, वहाँ से मुझे यहाँ लाया गया, लेकिन मुझे ना रास्ता भी बताया गया है सर और ना घर भी बताया गया है। सिर्फ यही बोला गया है कि तुम लोग चलिए उसके पास, पूछताछ करनी है आप लोग से, मतलब कि आपके कौन है, कैसे, कहाँ रहती, क्या है, इसके बारे में नहीं बताया। और यह भी नहीं मुझे बताया गया कि इसकी डेथ हो चुकी है। लास्ट सर, हम एक मिनट चुप नहीं रहेंगे। अगर उसके डेथ हो चुकी है तो एक मिनट को हम नहीं रहेंगे चुप सर।